अभिषेक जो है बहुत ही ज्यादा अच्छी गेम खेल रहे हैं और सबको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और सबसे मेन बात ऑब्जर्व करके जो है वो हर एक कोने में बात भी कर रहे हैं, जो कि लोगों को काफी ज्यादा कनेक्ट रख रही है। जैसे कि अभी जिया ने जो है जदादिद के बारे में भी एक बात बोली है कि भाई इसको जो है हिंदी समझ में आ रही है, ये भी बहुत तगड़ी गेम खेल रहा है। मैंने इसको बोला कि तूने केक खाया, जो कि मैंने देखा कि उसने खाया विच केक, वो बहुत ज्यादा इग्नोर हो गया, कितनी देर के बाद वो जाके माना कि हाँ मैंने केक खाया है। तो एक्चुअली में ये सब चीजें कर रहा, सब चीजें उसको समझ में आ रही है और ये बातें बोल रही होती है तो वो वहां पर आलिया एक बात बोलने लग जाती, जो कि आलिया की मुझे एक बात बहुत ज्यादा गंदी लगती है, मैं उसको एक्चुअली में श्रेय नहीं देती हूँ। और जिया को भी वो बात बहुत ज्यादा गंदी लगी, जहां पर पहले तो आलिया बोली कि मैं एक लड़की हूं, अगर मुझे स्टार्टिंग में ही कोई टच करेगा ना तो मुझे फर्स्ट टच से ही पता चल जाएगा कि इसका टच गंदा है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहां पर आलिया को इतनी देर के बाद पता चला, जहां पर आलिया ने बोला हाँ मैंने जदादिद को मसाज दिया था और मैं मसाज दे रही थी तो वो बोल रहा था और करो प्लीज डू इट, यानी कि वो ना मेरी फीलिंग लेके जा रहा था। मुझे उस वक्त तो पता नहीं चला, पर मुझे बाद में स्ट्राइक मारा कि यार ये फीलिंग ले रहा है। जहां पर ये इतनी गंदी बात बोली जदादिद के बारे में, यार उन लोगों को लड़कियों की कोई कमी नहीं होती है, और ये लोग पता है वहां से नहीं सोचते, ये लोग यहां से सोचते हैं, ये जहां तक मुझे पता है। वहां पर जो है जिया भी इस बात को मानती नहीं है, जिया उसको चुप करवा देती है कि नहीं यार ऐसा नहीं है। तो आलिया उल्टा हो जाती है, यार मेरे को पता है तुझे नहीं पता, मैंने वो सब चीजें फील की है ना, तुझे नहीं पता चलता मैं लड़की हूं, मुझे पता है। सही बात है, वो लड़की, उसको पता है, पर यार गलती भी हो सकती है, ये चीज हम भी देख रहे हैं। दूसरे लोग तो नहीं बोल रहे हैं कि जदादिद की नीयत गंदी है, बाहर बैठे हुए कुछ लोग बोल भी रहे हैं वैसे। इसी के साथ मैंने इजाजत, नमस्कार।